हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एरेज के बारे में। मेनली एरेज क्या होते हैं जावा में, मैं आप सभी को यहाँ पे आज के वीडियो में बताऊंगा। मेनली गाइस, बहुत दिन हो गए मैंने आप सबको वीडियो प्रोवाइड नहीं करके दिया था जावा ट्यूटोरियल का, तो आज से आपको देखने को मिल जाएंगे रेगुलरली। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एरेज की। तो एरेज कैसे होता है, तो मेनली गाइस हमें क्या है, मेन स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करके तो इसके अंदर हम लोग एरे बनाएंगे। तो एरे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट, फिर बाद में एक नेम टाइप, और मतलब जो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे नेम टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, और इंट हमारे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंट ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे करेंगे अब, हाँ हम लोग यहाँ पे मतलब नेम टाइप दिखाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। मेनली स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं हमारे एरे, यहाँ पे एरे मतलब क्रिएट हो रहा है। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इंट के बाद। मेनली चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इंट के बाद भी आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फास्टली आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मेनली मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, और हम लोग क्या करते हैं अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को इंट के बाद लिखते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैं इंट के बाद इसे लिखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू का सिंबल देखें। इसके बाद हमें लिखना है न्यू, और इसके बाद यहाँ पे हमें डिफाइन करना है हमारा फिर से एक ऑपरेटर, कौन सा हम लोग ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मेनली हम यहाँ पे इंट यूज़ करते हैं, तो हम लोग मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को यहाँ पे यूज़ करें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी साइज, मेरे आपको कितने साइज का एरे चाहिए ये आप डिफाइन कर सकते हो। इसे हम लोग कर देते क्लोज। तो फाइनल दोस्तों हमारे यहाँ पे एरे का मतलब यहाँ पे जितना भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एज डिफाइन करना है। मेरे मैं एज के बारे में बताऊँगा, तो एज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज का प्रिंट करेंगे, मतलब एज का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो एरे को मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे एरे कैसा होता है। तो मेरे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो इस तरीके से हमारा एरे होता है, एक समझ लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट है। तो मेरे मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा एरे डिफाइन होके रहता है, हमारा एरे इस तरीके से दिखता है। मेनली यहाँ पे हम लोग ने थ्री मतलब यहाँ पे थ्री इंट लिए, तो मेनली यहाँ पे थ्री बॉक्सेस आ जाएंगे। थ्री इंट लिए तो थ्री बॉक्सेस, मैं अभी बताता हूँ क्यों। तो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा एज। यहाँ पे मैं एक स्टार्टिंग का जो एज होगा वन होगा, फिर उसका टू होगा, उसके बाद का ये थ्री हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन टू थ्री एज डिफाइन करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स होता है। मेनली गाइस हमारा जो जावा है वो जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा वन, फिर यहाँ पे आएगा टू। तो मेरी बात करें तो ये जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है, तो हमारा जो पहला बॉक्स है वो जीरो इंडेक्स को डिफाइन करेगा, जो वन है वो मतलब हमारा जो सेकेंड बॉक्स है उसको डिफाइन करेगा, और ये हमारा जो टू है वो थर्ड बॉक्स को डिफाइन करेगा। तो जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है इसलिए जीरो से स्टार्ट होता है। मेनली हमारा यहाँ से जीरो से लेकर वन तक वन हो रहा है, और वन से लेकर टू मतलब जीरो से लेकर हमारा एक जीरो बॉक्स है, फिर यहाँ से हमारा टू। मेनली यहाँ पे आपको थ्री बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। तो जीरो एक मतलब ये जो जीरो है ना, तो ये पर्टिकुलरली एक बॉक्स है, एक बॉक्स को कलेक्ट करता है, और मेनली हमारा जो वन है ये वाला बॉक्स को कलेक्ट करता है, और ये टू हमारे ये वाले बॉक्स को। तो मेनली इस तरीके से एरे डिफाइन होता है, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। मेनली आपको ध्यान देना है, जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है, जितने बॉक्स होंगे तो जीरो से आपको स्टार्ट करना है मेनली। तो हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे एरे को डिफाइन करेंगे हमारे एज को। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यहाँ पे लिखते हैं जीरो, हमारा स्टार्टिंग का मतलब जीरो इंडेक्स लैंग्वेज है इसलिए हमारा यहाँ पे आपको डिफाइन करना है एज। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे का, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है अपना इंडेक्स। तो हम लोग जीरो इंडेक्स पे लिखेंगे यहाँ पे हमारी एज, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 18। अब मेनली हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो हमारा एज जीरो है उसे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के लिए इसे करता हूँ क्लोज। अब हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू फ्री पे, यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, तो हमारा प्रिंट होके आ चुका है। मतलब यहाँ पे हमारा ये जो इंडेक्स था जीरो पे हम लोग ने इजीली प्रिंट कर दिया। तो मेनली एरे का काम क्यों होता है, मेनली अगर आप कभी भी अपने कॉलेज में, और अगर आपको मतलब मार्क्स किसी का भी डिफाइन करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में और आपको उन सभी का मार्क्स आपको प्रिंट करना है, तो मेनली आप क्या इसे कॉपी पेस्ट करते करते प्रिंट करोगे। मेनली अगर 30 बंदे होंगे तो आप इजीली प्रिंट कर पाओगे कॉपी पेस्ट करके, लेकिन 1000 अगर मतलब स्टूडेंट्स का आपको बनाना है तो क्या प्रिंट कर पाओगे, नहीं ना। इस तरीके से हमारा एरे का काम आता है, इसलिए मेनली हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एज है तो हम लोग एज को ऐड भी कर सकते हैं। मेनली हमने एज यहाँ पे डिफाइन किया, अब हम लोग एज जो सेकेंड इंडेक्स पे वो भी डिफाइन कर देता हूँ मैं, एज वन, और यहाँ पे हम लोग इसे कर देते हैं इक्वल्स टू। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारा एज जो होगा 20 से करते क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग इंडेक्स वन लिखेंगे, तो मिलिए आपको पता चले, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स वन लिख जीरो लिख दूंगा। तो मिलिए मैं इसे कर देता हूँ अभी कॉपी, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट, और हमारा जो सेकेंड वाला इंडेक्स है जो हमने लिखा है अभी वन,
उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मेनली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो इंडेक्स, जहाँ पे मैं इसे एक स्ट्रिंग के अंदर लूँगा। स्ट्रिंग के अंदर लेने के लिए यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरो इंडेक्स, और यहाँ पे प्लस का सिंबल देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारा, मतलब जो हमने लिखा है यहाँ पे सेकेंड इसको, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स, जिसके कारण आपको मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और यहाँ पे दे देता हूँ प्लस का सिंबल। अब हम लोग रन करते हैं हमारे कोड को, तो मेनली यहाँ पे शो हो जाएगा आपको हमारा जीरो इंडेक्स पे 18 और वन इंडेक्स पे 20। अब हम लोग जो हमारा मतलब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं मेनली हमारा थर्ड वाला। उसके बाद कैरेक्टर एरे भी आपको बताना है, कैरेक्टर एरे भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर एरे को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, मतलब स्ट्रिंग का जो एरे होता है तो वो भी मतलब आपको आना चाहिए। तो कैरेक्टर में स्ट्रिंग का एरे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं हमारे थर्ड इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मतलब मेनली मैं आपको थर्ड भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखते क्या ये प्रिंट होगा या फिर एरर शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा सेकेंड इंडेक्स 2, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा थर्ड इंडेक्स, देखते क्या थर्ड इंडेक्स हम लोग प्रिंट करेंगे तो आएगा। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसे मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ये वाला, तो इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा सेकेंड इंडेक्स, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड इंडेक्स, रन करते हैं हमारे कोड को। तो मेनली हम लोग रन करके देखते हैं क्या हमारे ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने डिफाइन किया था यहाँ पे कि हम लोग एरे की जो साइज़ है मेनली यहाँ पे आपको शो हो रहा था। तो मेनली हम लोग यहाँ पे एरे की साइज़ 3 ले रहे हो, 3 से आगे नहीं ले सकते। तो मेनली यहाँ पे 1 जीरो इंडेक्स का 1, सेकेंड मेनली जीरो इंडेक्स का 1, यहाँ पे हमारा सेकेंड पे 20 वैल्यू, और ये 1 इंडेक्स का मतलब सेकेंड हो गया, और एज हमारा जो सेकेंड इंडेक्स पे था वो हमारा थर्ड हो गया। तो मेनली जो ये फोर्थ है वो एक्स्ट्रा आ चुका है, मतलब जो हमारा एज 3 है। हम लोग क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देते हैं। तो मेनली ये रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते। अब हम लोग एक बार रन करके देखते हैं मेनली, रुक जाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एज 3 है, अब देखते हैं हम लोग प्रिंट करके। तो यहाँ पे फिर से एरर शुरू है क्योंकि हमने यहाँ पे तीसरा ले लिया। तो मेनली मैं इसे हटा देता हूँ, और अब हम लोग रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। तो मेनली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 010। तो मेनली हमने क्या किया, यहाँ पे ना जो हमने 0 लिखा था तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो मेनली हमारे यहाँ पे 0 इंडेक्स जो है हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो अभी हमारा 012 प्रिंट होके आ चुका है, मतलब हमारा एरे यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप मतलब एरे का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ तो फोर लूप के मदद से इजीली आप इसे प्रिंट कर सकते हो। तो मैं आपको मतलब यहाँ पे होमवर्क दूंगा थोड़े से, वो आपको कंप्लीट करना है मिली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फोर लूप चलाऊँगा मैं, इंटा इज इक्वल्स टू 0, तो 0 हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब 0। यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन 1 से चलोगे तो फिर आपको यहाँ पे मतलब अगर आप 1 लेते हो तो मिले आपको यहाँ से, अगर आप मतलब यहाँ पे लोगे 1 तो आपको 3 तक चलाना होगा, और अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पे आपको 2 तक चलाना होगा। तो हम लोग 0 से लेंगे 2 तक जाएंगे क्योंकि लास्ट हमारा इंडेक्स 2 है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे आइको प्लस प्लस, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अनब्लॉक करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमारा जो एज है एज उसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा आई, और अब हम लोग इसे करते हैं प्रिंट, देखते क्या हमारा आउटपुट आता है। तो मेनली हमारे यहाँ पे 1820 आ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 1820 क्यों आ रहा है। तो मेनली हमने 0 से स्टार्ट किया था, और 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यहाँ पे सिंबल नहीं दिया। मेनली हमने यहाँ पे क्या किया था, आई से लेकर 2 तक गए, तो आई मतलब यहाँ पे इक्वल्स मतलब ग्रेटर देन 2 था, तो मेनली हमारा 1 यहाँ पे 1 तक गया। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल देना भूल गए थे। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, तो मेनली यहाँ पे 18 20 20 आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आई लेंगे प्लस लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेनली स्पेस देंगे प्लस स्पेस एंड योर वैल्यूज और इंडेक्स प्लस, देखते हम लोग इसे रन करके मेनली क्या हमारा प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स एट 018 है, इंडेक्स एट 120 है, इंडेक्स एट 220 है। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब स्पेस दे देते। तो यहाँ पे अब हम लोग रन करते हैं, तो मेरी यहाँ पे जैसे तो इंडेक्स 0 पे हमारा 18 आ गया, इंडेक्स 1 पे इंडेक्स 2 पे 20 आ चुका है। तो मेरे हमने जो भी यहाँ पे लिखा था, तो इस तरीके से आप इजीली एसेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप मतलब कितने भी सारे लिखते हो तो आपका इजीली डिफाइन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया एरे का, तो हम लोग एरे को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरी।
ये जो हमने लिखा ये थोड़ा मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसमें आपको डिफाइन करते रहना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है इंट, और आपके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना है हमारा जो भी आप एज लोगे। यहाँ पे हम लोग एज डिफाइन करते हैं हमारा एरे मिली, और इसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो इजीली 1, 2, 3, 4। मतलब हमने 3 तक लिया था, जो भी मतलब हमने वैल्यू ली थी वही लिखूँगा, और 20। और हम लोग इसे कर देते हैं हमारे क्लोज। अब हम लोग रन करते हैं तो मेनली वही प्रिंट होके आ जाएगा, तो यहाँ पे 10, 20, 20। तो इस तरीके से भी एरे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग जावा में मेनली। अगर आपको एरे डिफाइन करना है तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, और इस तरीके से आप एरे का यूज़ कर सकते हो जावा में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे डबली एरे के बारे में, जहाँ पे मैं आपको एरे का फिर मतलब हमारे जो डबल एरेस यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो, और हमारे कैरेक्टर एरे भी बाकी है वो भी इंपॉर्टेंट, मतलब कैरेक्टर या स्ट्रिंग एरे दोनों में से एक बोल सकते हो, तो मेरी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।